हेलो फ्रेंड्स, दिस इज सौरभ। वेलकम टू एक्सप्लोरिंग स्टडी। आज हम लोग डिस्कस करेंगे साइंस के 2015 से लेकर 2019 तक सेमेस्टर एग्जाम में आए हुए सारे बहुविकल्पीय प्रश्नों को। ये सारे क्वेश्चन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं, इसलिए वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। और हाँ दोस्तों, अगर आप चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा ताकि दूसरे स्टूडेंट्स की भी हेल्प हो सके। चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, पौधों में उत्तेजनशीलता का प्रदर्शन स्पष्ट दिखाई देता है, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है छुई मुई में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भोजन में संचय के लिए अपस्थानिक जड़ का रूपांतरण है, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है कंद गुच्छ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पत्तियों द्वारा कायिक प्रवर्धन होता है, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ब्रायोफिल्म में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोण का मात्रक होता है, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है रेडियन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी घटना गुरुत्व का उदाहरण नहीं है, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है समतल पर गाड़ी को ढकेलना। अगला क्वेश्चन है, पत्ती का रूपांतरण है, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है पत्र प्रकलिका। अगला क्वेश्चन है, दौड़ने हेतु उपयुक्त अनुकूलित प्राणी है, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है एंटीलोप। अगला क्वेश्चन है, लंबाई का मात्रक मीटर, द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम तथा समय का मात्रक सेकंड किस पद्धति से संबंधित है, इसका जो करेक्ट आंसर है वो है MKS पद्धति से। अगला क्वेश्चन है, वायु है, तो वायु एक प्रकार का विषमांगी मिश्रण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टंका है, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है सिलाई करने की विधि। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से उभयचर प्राणी कौन है, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है कछुआ। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा मछली का अनुकूलन अंग नहीं है, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है फेफड़ा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से यौगिक है, तो जल जो है एक यौगिक है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी विधि घुलनशील ठोस पदार्थों को द्रव से पृथक करना है, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है वाष्पीकरण। अगला क्वेश्चन है, किसी वस्तु के तल के क्षेत्रफल का मात्रक है, इसका जो करेक्ट आंसर है वो है वर्ग मीटर या मीटर स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मछली में श्वास लेने के लिए कौन सा अंग पाया जाता है, तो मछली में श्वास लेने के लिए गलफड़ा पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक गज जो है किसके बराबर होता है, तो एक गज जो है 3 फुट के बराबर होता है। अगला क्वेश्चन है, घुलनशील ठोस पदार्थों को द्रव से पृथक करने की विधि है, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है तलछटीकरण। अगला क्वेश्चन है, पहलवान को भार उठाने में लगने वाला बल है, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है पेशीय बल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चने के बीज की दो हल्की पीले रंग की संरचनाओं का नाम है, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है बीज पत्र। अगला क्वेश्चन है, दही को मथनी द्वारा तीव्र गति से मथने से प्राप्त मक्खन को पृथक करने की विधि का नाम है, तो इसका जो करेक्ट आंसर वो है अपकेंद्रण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुसुप्त पौधा कहा जाता है, तो बीज को सुसुप्त पौधा कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, 1 फीट किसके बराबर है, तो 1 फीट 30.48 सेंटीमीटर के बराबर है। अगला क्वेश्चन है, न्यूटन का गति संबंधी कौन सा नियम क्रिया प्रतिक्रिया का नियम है, तो इसका जो करेक्ट आंसर वो है तृतीय नियम। अगला क्वेश्चन है, बल की इकाई है, तो जो बल की इकाई है वो डाइन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फल का पेड़ से गिरना उदाहरण है, तो फल का पेड़ से गिरना गुरुत्व बल का उदाहरण है। अगला क्वेश्चन है, बालू और लोहे की छीलन को पृथक किया जाता है, तो चाल कर पृथक किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, पत्ती द्वारा जनन होता है, तो पत्ती द्वारा जनन केले में होता है। अगला क्वेश्चन है, उभयचर जंतु है, तो मेढक जो है एक उभयचर जंतु है। लास्ट क्वेश्चन है, द्रव्यमान का मानक मात्रक क्या है, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है किलोग्राम। दोस्तों, अगर आपको हमारा ये एफर्ट पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें तथा चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओवर एंड आउट।